माहौमज़िलफर नाफरजरी को चेयरमैन नसोल कल साहब मती एपेक्स बॉडी जितने मम्बरान यहाँ मौजूद हैं के और जितने भी मीडिया के प्रतिनिधि यहाँ पे मम्बरान मौजूद हैं आप लोग कुछ हट करके आप तस्वीर आए आपका बहुत मशहूर उतनी तो चीजों का जो है हम लोगों ने डिसीजन लिया है केड़े की जो मीटिंग हमारी थी उसके बाद हमारे जितने भी इस्टेक होल्डर्स जिसमें हमारे तमाम एसोसिएशन एसोसिएशन हो ट्रांसपोर्टर्स या जो भी एसोसिएशन हो या हमारे इसके जितने भी मम्बरान हैं वो सब उसके अंदर मौजूद थे उसमें हमने मुश्तरक तौर पर एक ये फैसला लिया है आज कि हम लोग जो है जैसे हमारे लह में जो है एजुटेशन चल रहा है और अचुक साहब जो है वो हमारे मन भरत के लिए जो है वो बैठा हुआ है आज उसका बानो दिन है आज बारा दिन बारह तेरह बारोन दिन आज से चल रहा है तो हम एक तो उसके सपोर्ट में हम लोग हम सब उसके सपोर्ट में कैडियज के सपोर्ट में है और जितने भी हमारे यहाँ पे कगर के अवाम है वो सब उसके सपोर्ट में और उसके बाद जो है हम लोगों ने ये फैसला लिया तो कि क्योंकि हम लोग हम हम लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे जिसमें हमारे लेडीशिप तो बाहर थे हम सब आए हैं और हमने इसी लिए मीटिंग किया कि आज जो हमने ये फैसला लिया कि अब हम लोग बीस तारीख को बीस तारीख को हम लोग एक तो हड़ताल निकाल देंगे आधे दिन के लिए आधे दिन के लिए हड़ताल निकाल देंगे दूसरी बात जो है एक जलसा होगा हमारा बीस तारीख को जो है जलसा जिसका टाइमिंग हमने रखा है साढ़े दस बजे साढ़े दस बजे टाइमिंग रखा है और उसमें जो है हम लोग जो आगे के लाइव है या जो भी बात करनी है या जैसे हमारे हूं में जो आज तक बातें हमारी हुई उस पर हम सब आपको लोगों को जो ब्रीफ़ करेंगे यही हमारे आज फैसल लिया है और इन आप लोग उसका भरपूर जो है साथ दे के इसको कामयाब कराने की कोशिश करेंगे और हमारे जितने भी मीडिया के जो हमारे हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग कौमी एशू पर जो है आप लोग आगे आके जो है सपोर्ट देनी चाहिए हमेशा हमेशा कौमी सतह की जो भी बात होगा कौमी इश्यू पर जो भी बात होगा वो आपको आगे आके जो है उसकी भरपूर जो है हिमायत देके आप लोगों को जो भी पब्लिस करने की जरूरत हो वो करनी चाहिए बस यहीं बात साथ में मैं ये चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ लद्दाख में जो कुछ भी हो रहा है और लद्दाख के इश्यूज को लेकर जो एजुटेशन्स चल रही है ये सारे लद्दाखियों की है उसमें किसी एक डिस्ट्रिक्ट का, एक कम्युनिटी का नहीं है बदकस्मती कुछ लोग ये इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ लह में ही एजिटेशन हो रहा है लह में धरना हो रहा है, लह में अमर अनशन चल रही है और करगिल में कुछ नहीं है ये एक प्रोपागेंडा है फिर एक बार लद्दाखियों को लड़ाने के और इन सारे प्रोपागेंडाज़ के सद्दबाप करने के लिए ये जितने भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं इन सारे अफवाहों का मुंह बंद करने के लिए आज पूरी के डी ए की यहाँ पर लीडरशिप हमारे को चेयरमैन अखुन साहब ने आपको बता दी हमारे जितने भी के डी ए के मेम्बर्स हैं वो सब के सब यहाँ पर हाजिर हैं और साथ ही करगिल में जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं एसोसिएशनस हैं यूनियंस हैं सोसाइटीज़ हैं चाहे वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यूनियन हों चाहे आपके मार्चन एसोसिएशन हों चाहे आपके बार एसोसिएशन हों पंचायत एसोसिएशन हों जितने भी आपके एसोसिएशन हैं से, वो सारे के डी ए और एपेक्स बॉडी के एजेंडे को लेकर आज आपके सामने मीडिया के सामने खड़ी है और ये बताने के लिए खड़ी है कि लद्दाख में छ मार्च के बाद जो भी चीज़ें चल रही है उसमें हर फर्द का जो अपने आप को लद्दाखी समझता है उसका भरपूर योगदान है उसका हिस्सा है और वो इस एजुटेशन का पार्ट है अगरचि करगिल में हमारी पूरी लीडरशिप बाहर थी इसलिए हमें यहाँ पे चाहे वो अनशन की बात हो चाहे आपको बंद की काल की बात हो जलसे की बात हो उसमें देरी हुई और ये देरी जानबूझ के नहीं की गई ये देरी इसलिए नहीं की गई कि करगिल की लीडरशिप अपने आप को से अलग कर रही है करगिल के लीडरशिप कंटिन्यूस एपेक्स के साथ तीन दिसंबर से लेकर उन्नीस फरवरी उन्नीस फरवरी के बाद चौबीस फरवरी चौबीस फरवरी के बाद चार मार्च जो हमारी फाइनल मीटिंग हुई होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ और जो टोटली फेल हुई नाकाम हुआ जिसमें अमित शाह जी ने कैटेगरी के लिए कहा हम आपको न सिक्स और न ही स्टेट देने वाले हैं और यही बातें हमारी जो एपेक्स बॉडी और के की लीडरशिप के कलियर लिखा इन दोनों डिमांड्स को फुल किए बगैर हम भी अपने एजिटेशंस को छोड़ने वाले नहीं हैं तब से वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं इसीलिए इन अफवाहों का सद्दबाप करने के लिए 20 तारीख को अभी आपको आखन साहब ने बता दी पूरी के डी ए की लीडरशिप और जितने भी करगिल के स्टेक होल्डर्स हैं साढ़े दस बजे पातिमी या चौक से जुलूस की शक्ल में चलेंगे मार्केट में और वहाँ से हमारा जो अख्तितमाम होगा वो हुसैनी पार्क में होगा इन सारी चीज़ों को तफसील के साथ आपको बता दी जाएगी और साथ में ये भी बता दिया जाएगा कि आइंदा का हमारा अमल क्या होगा क्योंकि अभी एपेक्स बॉडी के भी जो लीडरशिप थी वो लह पहुंची है तो फिर हमारी फिज़िकल मीटिंग होने वाली है वो हो सकता है लह में हो या करगिल में हो बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है और आने वाले दिनों के लिए हमें एक मुश्तरका लाहमल बनाना है इसीलिए पूरी कौम से हम यह अपील करते हैं कि 20 तारीख के जो आधे दिन की काल है हड़ताल के बंद की काल उसे कामयाब कर लें साथ ही साथ करगिल के सारे आवाम से चाहे उसमें औरतें हों मर्द हों छोटे हों बुज़ुर्ग हों सबों से हमारी दिल्ली गुजारिश ये है अपने तयन अपनी मुस्तकबिल के लिए अपने फ्यूचर के लिए अपने आप के मैं सबसे पहले तो कारगिल के जो आवाम हैं, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के आवाम से फर्द फर्द से मेरी ये गुजारिश है कि वो बीस तारीख़ के प्रोटेस्ट में शिरकत करें क्योंकि ये प्रोटेस्ट किसी पार्टी के लिए किसी इलाके के लिए किसी जात के लिए नहीं है ये लद्दाख के खासकर हमारे पूरे आवाम के मुस्तबिल से मरबूत है और हमारे लोगों की जो डिमांड्स है देरीना डिमांड्स जिसमें स्टेज हुट और सिक्स शड्यूल की डिमांड है उसको मलहू खातिर रख कर ये हम प्रोटेस्ट होने जा रहा है मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि इसमें शिरकत करें और इस प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने लाई जाएंगी जो अभी तक आवाम के दरमियान नहीं है खासकर जो हमारे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा मीटिंग्स के हवाले से तफसी भी आप लोगों से शेयर किए जाएंगे और कुछ नई चीज़ें जो है, उसका भी तो है कि हम ऐलान करें